दुनिया में कई लोगों ने तमाम चुनौतियों से लड़कर ऐसे काम किए हैं जो लगभग असंभव थे। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति है पॉल अलेक्जेंडर। यह एक अमेरिकी लेखक है। पॉल 60 साल से एक मशीन के अंदर बंद होने के बावजूद भी मशीन के अंदर लेटे लेटे ही लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली, साथ साथ एक मोटिवेशनल बुक भी लिख डाली। पर आखिर ये बंद क्यों है मशीन में? तो दरअसल बात ये है कि पॉल 6 साल की उम्र में पोलियो के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वे ना तो खेल पाते थे और ना ही चल पाते थे और ना ही सांस ले पाते थे। इसके बाद उनकी जीवित रहने का एक ही उपचार था कि वे आयरन लंग्स की मदद से सांस ले। आयरन लंग्स एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से मरीज के फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने का काम किया जाता है। लेकिन पॉल की हालत 20 साल के बाद भी ठीक नहीं हो पाई, लिहाजा उन्हें इसी मशीन में रहना पड़ा। इसके बाद भी उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी, लिहाजा किताब पूरी करने में 8 साल लग गए। बता दे कि पॉल की तरह दुनिया में कई लोगों ने आयरन लंग्स का इस्तेमाल किया, लेकिन फिलहाल वो दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।